आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप सब लोगों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जो पहली कॉन्फ्रेंस में हमने आपके साथ जो बात साझा की थी कि अरुणाचल प्रदेश में इस बार के इलेक्शन में हम 100% जो लाइसेंसेस हैं, आम लाइसेंसेस हैं, वो वेपन के साथ उनके जो लाइसेंस आर्म्स हैं उनको डिपॉजिट करवाएंगे, तो वो टारगेट आज हमने 100% अचीव कर लिया है। 100% जो टारगेट हमने रखा था वो शायद मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट में हम ये पहला स्टेट है जहाँ पे हम लोगों ने इलेक्शन से पहले 100% सारे जितने भी लाइसेंस आर्म्स लाइसेंस हैं उनको डिपॉजिट करवाया है। उसके लिए मैं सभी अरुणाचल के हमारे भाइयों और बहनों का धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि हमारे इस फ्री फेयर और पीसफुल इलेक्शन को कंडक्ट कराने में उनकी तरफ से ये जो हमें सहयोग मिला है वह काबिले तारीफ़ है। और अरुणाचल में ये शायद पहली बार हुआ है कि सभी लोगों ने अपने अपनी तरफ से ये सहयोग दिया है और सभी जो DEOs हैं और SPs हैं जिन्होंने उनकी टीम ने पूरी तत्परता के साथ जो ये काम किया है उसको लेकर हम लोगों ने खुशी जाहिर की है। इसके साथ साथ आपने पिछले 3 दिन में जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ का जो मूवमेंट है वो देखा होगा। 14th को पहला मूवमेंट हमारा शुरू हुआ था जिसमें से 4 पोलिंग स्टेशन पिपसोरांग सर्किल की तरफ गई थी, जिसमें 2 सोर्टीज़ को भी हमने एयर सोर्टीज़ का भी उपयोग किया। वहाँ हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रूम बनाया ताकि हमारी जो EVMs हैं वो सुरक्षित रहें। उसके बाद कल हमारे जो 16th को हमारी 5 और पार्टीज़ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से गई और आज का जो डाटा है उसमें हमारे अभी तक के 124 पोलिंग पार्टी अपने पोलिंग स्टेशंस के लिए फुट मार्च के लिए निकल चुकी हैं। तीसरा जो अभी तक का जो हमारा इल्लीगल आर्म्स का जो डाटा है वो 753 पहुंचा है। अभी तक हमने 753 ऐसे इलीगल आर्म्स हैं जो सीज किए हैं और हमारा जो सीजर डाटा है वो भी अब तक आज की डेट तक हमारा 17,52,34,100। तो ये हमारी तत्परता और हमारी मॉनिटरिंग दोनों को दिखाता है कि इस बार का जो सीजर डाटा है हमारा कैश लीकर और फ्रीबीज को मिलाकर वो अभी तक 17.5 करोड़ पहुंच चुका है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर स्टेट में इंसिडेंट हुए हैं लॉ ऑर्डर को लेकर, अभी तक की जो 36 इंसिडेंट्स हमारे स्टेट में हुए हैं जिसमें से 33 लोगों को इंजरी भी हुई है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने 166 लोगों को 166 लोगों को ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो हमारे लिए इलेक्शन के लिए ट्रबल हो सकते हैं और 4,023 लोगों को हमने बाइंड डाउन कराया है कि ताकि वो किसी भी प्रकार की कोई इलेक्शन के दौरान हरकत ना करें। इसके साथ साथ 199 लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है और ये संख्या बढ़ सकती है जैसे जैसे अभी अगले 2 दिन में अगर किसी ने अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने हेमलेट में या कहीं अपने बस्ती में कानून व्यवस्था में या फिर इलेक्शन प्रोसेस में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया तो उनके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी हमने हिदायत दी थी कि किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें और अपना सहयोग करें जैसे जैसे अगर किसी की ड्यूटी लगती है। आज एक पावर डिपार्टमेंट के JE को भी हमने सस्पेंड किया है जो कि इलेक्शन ड्यूटी के में अपना फॉर द डिरेलिक्शन ऑफ द ड्यूटी। इसके साथ साथ ही जो SSTs हैं QRTs हैं FSTs हैं उनको भी हमने बढ़ाया है। इंटर स्टेट जो हमारे नाकाज हैं वो अभी 87 इंटर स्टेट नाकाज काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का एप्रिहेंशन था, फेक न्यूज़ भी थी, कल भी मैंने काफ़ी लोगों को बताया कि इंटर स्टेट मूवमेंट को लेकर
जो शंका जाहिर की जा रही थी वो बिल्कुल गलत है। किसी भी जगह पर, हालांकि सेक्शन 144 के तहत हमारे DEOs ने अपने एरिया में रात के लिए ऑर्डर इशू किया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि 19 तारीख को जो पोल डे है, जो कि पब्लिक हॉलीडे के रूप में घोषित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट बाधित नहीं होगा। सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। धन्यवाद। आज जैसे ये खबर हुई, हमने एक हाई पावर जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर को रिलेटेड एक मीटिंग थी, जिसमें CS, DGP, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर्स और जो कुछ और इंटेलिजेंस के लोगों के साथ हमारी मीटिंग हुई, और उसमें जो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए आसाम राइफल और अदर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, इंटेलिजेंस भी गैदर किया जा रहा है, बट इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी किसी का भी हस्तक्षेप, चाहे वो कोई भी हो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुरंत एक्शन उनके खिलाफ भी लिया जा रहा है जिन्होंने ये किया है। हमने DC लोंगडिंग को और DC तिराप को भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कैंडिडेट के साथ भी मीटिंग करें। उनको डायरेक्टली हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार के कोई भी UG's का इन्वॉल्वमेंट इलेक्शन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से अगर कोई भी कैंडिडेट इस प्रकार के हस्तक्षेप को बर्दाश्त इन्वॉल्व करता है तो वो डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं। जी, इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ की लोकल जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी उनको ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको बढ़ाया है। हमारे लगभग पूरे स्टेट में नाउ 31,000 लोग 13,176 पुलिस पर्सनल्स और पैरामिलिट्री फोर्सेज अलग अलग कंपनियां वहां काम कर रही हैं। वेस्ट कामेंग में भी हमने स्पेशल फोर्सेज भेजी हैं। जहां जहां हमें ऐसी रिपोर्ट आती हैं कि जहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हो सकती है या पीसफुल कंडक्ट कराने में किसी की कोई ऐसी हरकतें सामने आती हैं, तो हम लोगों ने जैसा कि मैंने बताया प्रिवेंटिव एक्शंस हम ले रहे हैं, स्टर्न एक्शन उनके खिलाफ लेंगे जिन्होंने जो इस पूरी प्रोसेस में अपना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करते हैं। इसके साथ साथ जिन जिन जगह पर ऐसी घटनाएं हुई हैं वहां पर हम लोगों ने अरेस्ट भी किए हैं। सो जैसे मैंने बताया कि कुछ स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्सेज हमने स्टेट में और बुलाई हैं और वो लॉन्गडिंग में पहुंच भी गई हैं, कल रात को ही वहां से प्लाटून्स गई हैं। इसके साथ साथ एरिया डोमिनेशन के लिए दोनों SPs को बोला गया है, आसाम राइफल के साथ भी पेट्रोलिंग चल रही है, और आज जैसे मैंने बताया कि हाई लेवल की जो मीटिंग हुई है उसमें भी ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप किसी भी एजेंसी से स्वीकार्य नहीं। ओके, सो नाउ एज पर द टूडेज डाटा सीजर इज 8,84,643 is a cash, and then liquor if I talk about then it is 4,61,43,710, and then drugs is 82,52,000, and then freebies around 2,63,00,000. So it is precious metals and other items mila ke ye ho raha hai 17,52,34,100. Campaign kara tha na aapka jo
ड्यूटी को डिलेक्शन के लिए उनको जो ड्यूटी दी गई थी उससे वो नदारद थे, इसलिए हमने उनको सस्पेंड किया. हिज नेम इज काबाक विकी. या जी. एंड वी हैव आस्ड अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल हु आर नॉट ओबेइंग द इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन. सर, आपने बताया कि 166 पीपल को आइडेंटिफाई किया गया है जो कुछ नुसेंस क्रिएट कर सकते हैं, उनको आप क्या करेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि आउट ऑफ जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रिवेंटिव एक्शंस के तहत उनको बाइंड डाउन कराया जाता है और उनके खिलाफ पूरे एविडेंसेस के साथ उनको बुलाकर उनसे खुद से सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया जाता है. अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि 151 में उनको अरेस्ट भी हैं, तो हमारे अभी तक 199 लोग 199 लोगों को हमने अरेस्ट किया और जो 166 हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनके खिलाफ भी हमने प्रिवेंटिव एक्शंस के तहत ही उनको अपनी तरफ से एक्शन लिया है. अगर फिर वो किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वी विल टेक अगेन नेसेसरी एक्शन. उसके लिए हम लोगों ने सभी अगेन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जितने हैं उनको भी हिदायत दी है कि वो अपनी पोलिंग पार्टीज़ को जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, क्योंकि जिस एरिया में जहां भी पोलिंग पार्टी जा रही हैं उनको सख्त हिदायत दे दी गई है कि इस प्रकार की कोई भी हरकत ना हो. बाहर जो हमारी फोर्सेज हैं उनको भी बताया गया है कि कोई भी ना केवल मोबाइल बल्कि ऐसे प्रोहिबिटेड आइटम्स को ले जाने के लिए भी वो पूरी तरह से चेक करें. साथ में जिन्होंने ये ऐसा किया है उनके खिलाफ़ भी हम लोग एक्शन लेंगे. सर, पोलिंग टीम के लिए आप ये बता दें कि देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट ऑन इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो सर 20 का भी कुछ प्रोबेबिलिटी है क्या, क्योंकि लोगों का कहना है कि 1920 वोटिंग के नेक्स्ट दिन में भी घर से नहीं निकला, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ वापस नहीं आ सकते? ऐसा नहीं है, 20th को तो हमारी सारी पार्टीज वापस आ रही हैं तो मूवमेंट तो रोक ही नहीं सकते. सर, इस बार पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए क्या क्या फैसिलिटी रखा? PWD वोटर्स का मैंने जैसे शुरू में भी बताया था कि हमारे यहाँ पर फॉर्म 12D के तहत उनसे ये उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि वो बूथ पे आके पोलिंग करेंगे या फिर उनके घर पर हम लोग जाकर पोलिंग टीम को भेजकर उनका वोट लें. और हमारे यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे भी थे जिनके लिए हमने स्पेशल हमारी पोलिंग पार्टीज़ भेजी जो उनके घरों से उन्होंने अपना बहुमूल्य वोट दिया. इसके अलावा जब वो आ रहे हैं तो हमने डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर भी पोलिंग पार्टीज़ हैं और वो उनके एरिया में हैं तो जो गाड़ी प्रोवाइड करना है वो हमारी तरफ से होगा. अगर उनको किसी भी प्रकार की और हर पोलिंग स्टेशन में हमने रैंप की व्यवस्था की है, वहाँ बैठने की व्यवस्था रखी है, उनको बोला है कि उनको किसी भी प्रकार से जैसे कि पानी की है, टॉयलेट की है, सारी व्यवस्थाएँ हर पोलिंग स्टेशन पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर करें. कमीशन की तरफ से ये गाइडलाइन हमें दी गई थी. जी सर, MP राहुल गांव और साथ ही कुछ MLA कैंडिडेट्स को 100% नोटिस दिया गया था, तो कल तक उनका एग्जामिन चल रहा था, एक्सप्लेनेशन को लेकर थोड़ा सा उसका अपडेट आप बता दीजिए. सो जो कमीशन की तरफ से जैसी गाइडलाइन है उसमें हम लोगों ने जिनको भी शो कॉज नोटिस इशू किया वो रिप्लाई आई और अभी वो रिप्लाई को हम लोगों को इलेक्शन कमीशन को भेजना है. सर, अभी तक पोस्टल बैलेट और PWD जो वोटर्स है कितने वोटर हैं? वो कंपाइलेशन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि कल तक हमारा पूरा पोस्टल बैलेट खत्म हुआ था. सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कल हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें इसका भी डाटा हम आपको देंगे. वी हैव डन सम स्पेशल अरेंजमेंट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पहले जो हमारे पोलिंग स्टेशन जिनमें फुट मार्चेज इन्वॉल्व थे वो 228 थे, 228, जिसमें P1 और P2 और P3 हम लोगों ने इस प्रकार से उनको सेग्रीगेट किया था. अब जब हमें पता चला कि मौसम क्योंकि आने वाले दिनों में भी ख़राब होने वाला है तो जो कल पार्टी निकलने वाली थी उनको हमने थोड़ा एडवांस में भेजा है और हमने स्ट्रॉन्ग रूम उन पर्टिकुलर जो फॉरवर्ड पोस्ट पर जो हमारे सर्कल ऑफिसर और जो भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर हमने रखे हैं ताकि
उनको एक ही दिन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करना पड़े। इसके अलावा हम लोगों ने स्पेशल बैग्स तैयार किए हैं हमारी ईवीएम्स के लिए, हमारे सीयू और जो वीवीपैट है वो एक तरह से पिट्ठू बैग की तरह होंगे, ताकि जो लोग पैदल चल रहे हैं और बारिश के मौसम में ना तो मशीन को कोई नुकसान हो और ना व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो उनको कैरी करने में, और बारिश के पानी से भी जो ह्यूमिडिटी या जो भी पानी से ख़राब होने के चांसेस हो वो भी ना हो। इसलिए हमने सभी को ऐसे फुट मार्चेस के लिए बैग भी प्रोवाइड किए हैं, और दोनों अलग अलग कलर के किए हैं कि अगर असेंबली के और पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, ताकि उनको भी किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इस बार भी काफ़ी जगह में पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं केस डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसा कुछ खबर तो हमें कुछ सुनने में आ रहा है, नोबडी इज टेकिंग फोटोग्राफ एंड दे आर शेयरिंग इन सोशल मीडिया बट एज ए कमीशन। तो आप लोगों के पास क्या खबर है सर, एनी इनपुट रिगार्डिंग द केस फॉर बोथ? सी जो मैंने अभी फिगर बताया हमारे पास सीजर, वो ऊपर से तो आया नहीं है, ये कहीं जा रहा था इसीलिए हमने उसको पकड़ा। और हमारे जो नाकाज हैं, हमारी जो FSTs हैं, SSTs हैं, वो हम पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से उनको हमारी जो रिपोर्ट के आधार पर उनको सीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कैश मूवमेंट था उसको रोकने के लिए ही इतनी सारी मेहनत की है, और उसी के हमारी तत्परता मानिए, चाहे हमारा जो इंटेलिजेंस मानिए, चाहे हमारी थोड़ी सी सतर्कता समझिए, उसकी वजह से इतना सारा कैश हम लोग इस बार सीज कर पाए। आई डोंट नो बट दैट मनी कुड बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस आल्सो। नो सर आपने कहा ये फिर मौसम पे आते हैं स्पेशल अरेंजमेंट, तो आपने पोलिंग बेसिस के लिए बता दिए, इन केस पोलिंग डे के दिन अगर बारिश होती है तो लोग आएंगे वहां पर, बहुत सारे घर होंगे, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऐसी जगह पर, क्योंकि यहाँ अरुणाचल में बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर हम लोग टेंट की व्यवस्था या फिर बाकी जो बारिश के लिए जैसे बाकी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं वो हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर भी जो पोलिंग बूथ है उसके बाहर भी हमने बैठने की व्यवस्था रखी है, ताकि जो पोलिंग पार्टीज हमारी रात को वहाँ रुकेगी तो उनको भी बारिश में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। उनके साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जो हमारे पोर्टर्स हैं, उनको भी रात में वहाँ पर रुक सकें, और सारी जैसे टॉयलेट, पानी, खाना सब व्यवस्था हो, वैसा हम लोगों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बार अरेंजमेंट किया। देर आर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वी हैव बीन रिसीविंग। टुडेज रिपोर्ट एमसीसी रिपोर्ट एवरी डे वी आर कलेक्टिंग दिस कंपाइलेशन, अराउंड 6 o'clock वी आर सेंडिंग टू कमीशन, सो आई थिंक विद इन हाफ एन आवर वी विल बी एबल टू सेंड वी विल एबल टू टेल यू द एग्जैक्ट नंबर ऑल्सो। सी एम सी सी हैज़ ए वाइड डेफिनेशन, सो वी हैव बीन ऑब्जर्विंग ऑल दोज इशूज, अगेन मैनी आर फोर्स्ड वन एंड मैनी आर जेन्युइन वन, सो वॉट एवर इज जेन्युइन वी हैव इशूड द नोटिस, शो कॉज नोटिस विच यू आर टॉकिंग अबाउट, and once we are once these replies are received, then accordingly we are taking action against them also. Thank you.